नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के पहाड़ी इलाके सुल्तानपुरी में 23 साल की अंजलि का दिल दहला देने वाली मौत के बाद से बता दें कि यहां पर सियासत गर्म हो गई है। इस पूरे केस पर दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है। दिल्ली के स्पेशल CP सागर प्रीति हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया। मोड़ आने की वजह से लड़की की बॉडी कार से अलग हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को नशे में होने की जांच के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं हुड्डा ने आगे कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक और लीगल टीम के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार ने संपर्क में है, उन्होंने जाँच के बारे में जानकारी दी है। वहीं आरोपियों के 3 दिन की रिमांड मिली है, उनसे पूछताछ की जाएगी और जल्द जांच पूरी की जाएगी। उसके बाद से कोर्ट ने चार्जशीट पेश करेगी और पुख्ता सबूत जुट जाएंगे। अभियुक्तों की कड़ी सजा दिलाए जाने की लगातार मांग की जा रही है। साथ ही बता दें कि इस दौरान आरोपियों पर धारा 389, 304, 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुमन जुड़ गई है। सुमन, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, दिल्ली में जिस तरीके से दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, मामला इन दौरान आरोपियों पर कार्रवाई जारी है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर तो सवाल खड़ा हो ही रहा है। क्या कुछ अपडेट है सुमन? बिल्कुल सोनाली, जिस तरह से आप कह रही हैं कि दिल दहला देने वाली घटना है, तो बिल्कुल दिल्ली का जो दिल है वो धड़कता हुआ जरूर साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, दिल्ली के बाहरी इलाके की अगर बात करें, सुल्तानपुरी में 23 साल की अंजलि की दिल दहला देने वाली मौत की घटना सामने आई और इस पूरे केस पर दिल्ली पुलिस के बयान जारी किया और दिल्ली के स्पेशल CP सागर प्रीत हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी जानकारी दी है और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि इसके साथ ही लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया और मोड़ आने की वजह से लड़की की बॉडी कार से अलग हुई। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों के नशे में होने के कारण ही जो जांच के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं सोनाली कि इसको लेकर लगातार जांच भी हो रही है और पुलिस ने यह भी बताया है कि 5 आरोपी पकड़े दिए गए हैं और इनमें दीपक खन्ना कार को ड्राइव कर रहा था, ये भी जानकारी इसमें सामने आई है। और वही जो ग्रामीण सेवक में कार्यरत है, इसके अलावा कार में अमित खन्ना, कृष्ण और मनोज और मिथुन जी बैठे थे, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। इनके नाम भी सामने आ गए हैं सोनाली। और इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि CCTV फुटेज और डिजिटल सबूत भी टाइमलाइन पर बनाए गए हैं और इसके साथ ही आधार का भी पता कर पाएंगे, ये भी जानकारी है। और आपको ये भी बता दूं सोनाली कि आरोपी साफ तौर पर कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे, घसीटे जाने के बारे में पुलिस ने ये भी बताया है कि बॉडी कार में ही फंसी पड़ी हुई थी और 10 से 12 किलोमीटर तक उस बॉडी को घसीटा गया है और कहीं जर्नी के दौरान ही बॉडी सड़क पर गिरी और इसका जो पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट भी आएगी और वो भी शेयर की जाएगी। सुनाली सुमन, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, सुल्तानपुरी के थाने के बाहर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरला यहाँ पर पहुंची थी, यहाँ पर लोगों के विरोध का उनको सामना करना पड़ा है और इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं जो है विरोध करती हुई नजर आई है। इसी बात को लेकर महिलाओं का आक्रोश है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर एक लड़की के साथ इस तरह का अत्याचार होता है, अब खुद सोचने वाली ये बात है, अगर एक लड़की के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या बीती होगी उस समय, वो हर कोई इस समय भारत की हर एक महिला, हर एक लड़की उस चीज को महसूस कर रही है। तो ये एक बड़ा सवाल भी उठता है प्रशासन का। हालांकि केजरीवाल ने इसको लेकर बयान भी दिया, उन्होंने भी इसको लेकर सफाई दी है, उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी सुनाने, तो इसको लेकर बड़ा एक्शन भी नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अगर किस्से की बात करें तो उसको लेकर भी एक रंग जरूर इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सुमन, इस मामले को लेकर जब राखी लांबा से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, जो उनका ये कहना था कि लोगों को ये लगा कि ये पुलिस की गाड़ी है, लोगों ने पुलिस की गाड़ी को समझकर इसको घेरा, इसका विरोध किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे इस मामले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि हमारी गुड़िया को न्याय मिलना चाहिए, उन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं जी, जी
जी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सामने भी आ रहा है कि देखिए जैसे अब नशे में लोग रहते हैं 31 तारीख का था तो ज्यादातर पुलिस जो है वो सतर्क भी नजर आती है, तो कहीं ना कहीं घटना पर वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो था और उसको लेकर भी सतर्क नहीं नजर आया है, पुलिस की भी यहाँ पर लापरवाही जो साफ तौर पर देखने को मिली है। वही अगर मृतक युवती की बात करें तो उनके मामा ने भी यह साफ तौर पर कहा था सोनाली की मैं पुलिस की कार्रवाई से सहमत नहीं हूँ, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, डीसीपी ने अगर ये भी कहा है, जानकारी दी उन्होंने की आरोपी लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया है और इतना बड़ा हादसा होने के बाद कुछ गलत नहीं किया ये कैसे कह सकते हैं, और ये एक केस जो है वो निर्भया से भी मिलता जुलता देखा जा रहा है सुनाने। लेकिन सुमन जिस तरीके से इन दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया है और पुलिस अभी इस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं है। सेफ्टी के पर्पस से देखा जाए तो हम भी दिल्ली में रहते हैं, हम लोग भी दिल्ली नोएडा का सफर करते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, कहां कमी रह जाती है पुलिस प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल सुनाली, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि देखिए 31 तारीख का समय था और 1 तारीख था और सभी आगमन का इंतजार कर रहे थे, नए साल का आगमन इंतजार हो रहा था और उसको लेकर भी जो लोगों में जज्बा था वो देखने को मिल रहा था, लेकिन इस समय पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्क नजर आना चाहिए था उन्हें और अलर्ट रहना चाहिए था, लेकिन ये बड़ी दुर्घटना जो है वो हुई है और जो 31 तारीख को हुई है तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है पुलिस प्रशासन पर भी और उनकी लापरवाही पर भी ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से सुमन इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वहां पर स्टैंड लेती हुई नजर आई है, कहीं ना कहीं ना उन्होंने पक्ष में बोला ना उन्होंने विपक्ष में बोला, आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले को लेकर लोगों की नाराजगी भी जाहिर नहीं करना चाहती है, क्योंकि लोग नाराज है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से, कहीं ना कहीं सरकार से, प्रशासन से, तो आम आदमी पार्टी इस चीज को दिखा रही है कि लोग हमसे नाराज नहीं है, लेकिन जो इस मामले को लेकर जो पीड़ित है हम उसके साथ खड़े हैं और हम उसे न्याय जरूर दिलवाएंगे, क्यों सुमन? बिल्कुल बिल्कुल सलोनी सुनाली, जिस तरह से बात सामने आ रही है उसको लेकर हम न्याय जरूर दिलवाएंगे, ये हमारी लगातार मुहिम चल रही है और हम इस खबर को प्रमुखता से भी दिखाएंगे और दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे कि हर इस खबर पर क्या अपडेट। बिल्कुल सुमन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको बता दें कि ये सुल्तानपुरी थाने की बात बता रहे हैं आपको, जहां पर लगातार वहां पर लोगों का एक लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, राखी बिरला वहां पर पहुंची थी और इस दौरान लोगों के विरोध का उनको सामना करना पड़ा, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है, और साथ ही बता दें कि बड़ी संख्याओं में महिलाएँ वहाँ दिखी थी। वहां पर जब आप विधायक ने इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया तो राखी बिरला ने इस मामले को लेकर कहा है कि उनकी गाड़ी को पुलिस की गाड़ी समझकर घेरा गया, उसका विरोध किया गया, पुलिस प्रशासन का लचर रवैया को लेकर लोग गुस्साए हुए हैं, राखी लांबा लगातार ये कहती हुई नजर आई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी गाड़ी पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को लगा है कि वे पुलिस की गाड़ी है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमारी गुड़िया को न्याय मिलना चाहिए, उन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से दिल्ली से ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं काफ़ी दिल दहला देने वाला मामला है, और कहीं ना कहीं प्रशासन जिस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सत्ता से रास्ता यूपी होकर गुजरता है, और ऐसे में तमाम दलों के नेताओं की नज़र भी सबसे ज़्यादा यूपी की गड़ी पर रहती है। राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में क्या सत्ता और क्या विपक्ष दल, हर कोई अभी से ही काम में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी निगाहें यूपी पर आगड़ी है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से जोर आजमाइश लगी हुई है बीजेपी और कांग्रेस में। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब यूपी आने वाले हैं, वहीं उनकी यात्रा का दूसरा चरण 3 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत गाजियाबाद के लोनी से होगी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। यात्रा में शामिल होने के लिए आज कार्यकर्ता गाजियाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी की मिली है कि प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता गाजियाबाद पहुंच रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन पर अपना रक्तदान किया है। वहीं इस खास मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। मौर्य ने KGMU ब्लड बैंक टीम का धन्यवाद भी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दानिश वारसी जुड़ गए हैं, ब्यूरो हेड है हमारे। दानिश, जिस तरीके से ये जन्मदिन मनाया गया और जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, कितने उत्साहित नजर आए वहां पे कार्यकर्ता? देखिए, आपको बता दूं, ये जन्मदिन जो है आज ब्लड डोनेट के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने मनाया, और जन्मदिन के साथ साथ यही दिखाया गया है कि पार्टी के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ साथ मतलब खुशी के पल होते हैं। हालांकि जन्मदिन जिसका भी होता है वो खुशी का पल होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जो ब्लड डोनेट किया है ये एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि जो अंग जो ब्लड यानी कि जो रक्तदान है उस रक्तदान के साथ उन्होंने जन्मदिन की विशेष यानी कह सकता हूँ बधाई देने की कोशिश की है। और इस जन्मदिन के पीछे भी कारण ये पॉलिटिकल यानी कि एजेंडे को भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल किया गया है, और इसमें शामिल करने के पीछे कई वजह हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से रक्तदान किया गया है ये एक अच्छा मैं कह सकता हूँ कि एक योगदान है और अच्छी पहल है। जन्मदिन तो कई होते हैं जहाँ पर केक कटते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, तमाम तरीके के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन रक्तदान का आयोजन जो किया गया है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जन्मदिन में एक मैसेज देने की कोशिश की गई, कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ है। जी दानिश, जिस तरीके से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन मनाया गया और इस मौके पर काफी लोग वहां मौजूद थे, कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे? नहीं देखिए, चेहरे तो कोई बड़े इसमें मौजूद नहीं थे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद जन्मदिन अपने आवास पर मनाया है और कार्यकर्ताओं को हुजूम देखने को मिला है। हाँ, लेकिन एक बात ये कही जा रही थी कि जन्मदिन जिस समय किया रक्तदान किया गया, रक्तदान का कार्यक्रम जो आयोजन किया गया था गैर की बात है वो कार्यकर्ताओं के साथ में था, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर रक्तदान किया गया। इसके बाद जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था उनके आवास पर था, ये पता चला है कि उसमें कई वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव की पहुंचने की संभावना थी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने व्यवहार बयानों से जाने जाते थे। और आज जो जन्मदिन था उसके पीछे उन्होंने रक्तदान किया, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि व्यवहार बयानों के साथ साथ वो योगदान भी करते हैं। बिल्कुल दानिश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कई कार्यकर्ता मौजूद थे और जिसको लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए थे। काफी बड़े चेहरे यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन रक्तदान शिविर में जो कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। इस खास मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया है। यूपी के सीतापुर में बीजेपी नेता ने सांसद, प्रतिनिधि और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पूरा मामला थाना ताबोर इलाके के मुंगालपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर मुंगालपुर गांव में निवासी बीजेपी नेता रामजीवन जायसवाल पर हाल ही में तंबौर थाने में 308 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। रामजीवन जायसवाल बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता और नेता के रूप में काम कर रहे हैं। रामजीवन जायसवाल काफी समय से पहले से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रामजीवन जायसवाल अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन में भी जेल में भी गए हुए हैं, जो कि 19 दिन लखीमपुर जेल में भी बंद रहे हैं। वर्तमान में रामजीवन जायसवाल पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष सीतापुर के रूप में काम कर रहे हैं। और साथ ही बता दें कि जनता में काफ़ी लोकप्रियता इनकी देखने को मिलती है, और साथ ही जनता के प्रतिदिन राम रात मेहनत भी करते हुए नजर आते हैं। जनता के हर सुख दुख में ये साथ खड़े भी नजर आते हैं। जी, मारपीट किसी से नहीं हुई है, प्रधान जी गांव के थे जी। वो यहीं पर बैठे थे जी, गांव के यही इसी गांव के रामानंद और आए यहीं पर जी। उनसे जो है सही गाली गलौज और झगड़ा हुआ था और मारपीट उनसे प्रधान से कोई नहीं है। मारपीट नहीं, नहीं। आपका नाम? ललित कुमार वर्मा। कौन सी जगह? मुंगलापुर चौराहा। ये है कि एक सांसद जी के प्रतिनिधि हैं जय कुमार वर्मा जी, तंबौर में रहते हैं, अपने को उनका प्रतिनिधि बताते हैं। तंबौर थाने में जितना भी काम अलाली दलाली का जो भी होता है जी, सब करने का काम ये करते हैं जी। मैं जब कार्यकर्ताओं की आन बान शान का मामला आता है, भारतीय जनता पार्टी का जी कार्यकर्ता वो परेशान होता है जी, और जो लोग पैसा दे करके आते हैं काम कराते हैं चले जाते हैं जी, जी। तो कार्यकर्ता के हित के लिए जब मैं कभी बात करता हूँ तो ये बात उनको अखरती है जी। और इन्होंने एक साल पहले 2021 में मई में
बैठ करके एक प्लान किया था कि जब तक रामजीवन जायसवाल को 376 या 354 जैसे मुकदमों में जेल नहीं भिजवाएंगे तब तक जो है ये ठीक नहीं होंगे। ये बात इन्होंने एक साल पहले कही थी, मुझे पता था तो मैं बच के रह रहा था वैसे भी, लेकिन इस बीच में इन्होंने मौका पा करके एक अपना नौकर, इनका एक रामानंद है लुनिया, जो इनकी दिन भर दारू इनके दुकान पर बेचता है। अब खबर उन्नाव से है, जहां पर लखनऊ पब्लिक स्कूल में एक बच्चे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चा उन्नाव जिले के अधिकारी से वीडियो के माध्यम से स्कूल में छुट्टी की मांग करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शीतलहर के अवकाश घोषित कर दिया है, तो फिर लखनऊ पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक प्राइवेट स्कूल में अवकाश आखिर घोषित क्यों नहीं किया गया, जिससे लखनऊ पब्लिक स्कूल का छात्र, आपको बता दें कि गणेश यादव, उन्नाव जिलाधिकारी से अवगत घोषित कराने के लिए निवेदन करता हुआ दिख रहा है। वह स्कूल प्रिंसिपल ने बताया है कि यह बच्चा मेरे स्कूल में शुरू से ही पढ़ रहा है और इसलिए इसको पता है कि मेरे स्कूल में विंटर वैकेशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर डीएम का ऑर्डर आ जाता है तो दूसरे दिन से ही हमारे भी स्कूल बंद हो जाते हैं। इसलिए हम भी डीएम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर बच्चों के लिए इतनी सर्दी है तो स्कूल को बंद करने का आदेश जारी करें, जैसे कि कल बेसिक शिक्षा में आदेश जारी किया गया था। तो हम भी डीएम के आदेश का वेट कर रहे हैं और आदेश आए और हम स्कूल बंद कर बच्चों को छुट्टी दें। थाना भोजीपुरा में आपको बता दें कि बरेली पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान गौकशी की घटना करने वाले 25,000 रुपए के इनामी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से एक अदद तमंचा, 315 बोर और साथ ही एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस द्वारा अपराधियों के रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के द्वारा इन आरोपियों की गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में घायल आरक्षी और अभियुक्त के उपचार सीएससी भोजीपुरा में भेजा गया है। सीएससी भोजीपुरा से जिला अस्पतालों से रेफर किया गया है। अब खबर अमेठी से है, जहां पर फायरिंग से गांव में हड़कंप मच गया है। दरअसल थाना क्षेत्र के बरखा मंजरे के मोहना गांव में फायरिंग का मामला ये सामने आया है, जहां पर पूर्व सैनिक ने अपने भाई और भतीजे को गोली मार दी है, जिससे बाद से गोली लगने के बाद तीनों लोगों को घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उपचार के लिए तीनों को लगातार अस्पताल में भर्ती है और मौके पर मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल अपने सगे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले पूर्व फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब खबर श्रावस्ती से है, जहां पर घर के सामने अलाव ताप रहे लोगों को तेज रफ्तार बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। दरअसल इकोना थाना अंतर्गत ग्राम अंचन पुरावा दाखिल चिंजड़ी निवासी रविवार शाम को प्रेमलता पत्नी, बता दें कि तिकराम राजेश कुमार और साथ ही तिकराम के साथ ही बता दें आपको कि शहजाद अली पुत्र के साथ अलाव ताप रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना पहुंचाया है, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं बता दें कि प्रार्थी के परिजनों द्वारा इकोना थाने के तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब खबर इटावा से है, जहां पर बता दें कि भू माफियाओं के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल ग्राम प्रधान के रोजगार सेवक पर दबंगई के बल पर जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद से प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं इस मामले पर आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के अंतर्गत संतोषपुरा गाँव का बताया जा रहा है। और ये बता दें कि इटावा का मामला है, जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला ये सामने आया है। भू माफियाओं के हौसले प्रतिदिन इतने बुलंद नजर आते हैं कि सरकारी जमीन पर वे लगातार कब्जे करते हुए नजर आते हैं। और इस मामले को लेकर लगातार बता दें कि ये इटावा का मामला है, जहां पर बता दें कि लगातार भू माफिया जो है उनके हौसले काफ़ी बुलंद नजर आ रहे हैं और साथ ही दबंगई दिखाते हुए सरकारी जमीन को हड़पते हुए नजर आते हैं। साथ ही बता दें कि
इस दौरान ग्राम प्रधान रोजगार सेवक पर दबंगई के बल पर सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद से प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर लगातार वहां के लोग परेशान हैं। इस मामले को लेकर बता दें कि तहसील क्षेत्र अंतर्गत संतोषपुरा गांव का बताया जा रहा है, संतोषपुर गांव का बताया जा रहा है ये पूरा मामला, जिसके बाद से बता दें कि भू माफिया जो है उनके हौसले काफ़ी बुलंद नजर आ रहे हैं। इटावा का ये मामला है। अब खबर कानपुर से है, जहां पर बता दें कि कनपुरिया अंदाज में बता दें कि नशेबाज दुकानदार दबंगई दिखाते हुए नजर आया है। मामला जजमऊ थाना के अंतर्गत जखई बाबा का है, जहां पर नशेबाज हाथ में रिवॉल्वर लेकर दुकान पर रौब दिखाते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब खबर इटावा से है, जहां पर नववर्ष पर शराब के नशे में धुत युवक और की युवती से जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह मारपीट के बीच सड़क पर हुई, यह मामला थाना सिविल लाइन जेल रोड का बताया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से एक युवक और युवती की मारपीट हुई है, और बता दें कि इसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। और साथ ही बता दें कि ये मामला जो है इटावा का है, जहाँ पर नशे में धुत युवक और युवती की मारपीट सड़कों पर हो रही है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये मारपीट बता दें कि थाना सिविल लाइन के ज्वेल रोड का बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दरअसल इस वीडियो में हंगामा करने वाला सौरभ पाठक नामक युवक बीजेपी नेता का भाई बताया जा रहा है। बता दें कि सरेराह संबंगई का इस मंजर से स्थानीय लोग में काफ़ी खौफ देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही बता दें कि ये जो मामला है ये राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला सामने आया है, जहां पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। सौरभ पाठक नामक ये युवक बीजेपी नेता का भाई बताया जा रहा है। और लखनऊ का यह मामला है, जहां पर बता दें कि ये मारपीट का वीडियो आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके से ये मामला सामने आया है, और गाजीपुर थाना क्षेत्र में ये गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। साथ ही बता दें कि वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। सौरभ पाठक नामक ये युवक बीजेपी नेता का भाई बताया जा रहा है। साथ ही बता दें कि सरेआम किस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए इनको कोई प्रशासन का खौफ नहीं है, किस तरीके से ये गुंडागर्दी करते हुए नज़र आते हैं, और प्रशासन इस मामले पर अब तक चुप्पी साधे हुए है। बता दें कि राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, और ये गुंडागर्दी का वीडियो आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके से ये वीडियो में सौरभ पाठक नामक युवक जो है, जो बीजेपी नेता के भाई बताए जा रहे हैं, ये गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।